जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं, सभी महिलाएं विशेष सूचना है, कृपया ध्यान दें कि आप अगर आय प्रमाण पत्र बनवाती हो, अन्यथा रद्द हो जाएगा और ये स्वयं आपकी जिम्मेदारी रहेगी। बिल्कुल। फिर मत कहना कि रद्द कैसे हो गया, समझ रहे हो? और इसमें भी अक्षरों में गलती होती है, जैसे देखिए ऐसे होता है, कोई पू है तो पू से शुरुआत होता है, जैसे पूजा है ये ऐसे, और वो भर दे आपका UJA PUJA पूजा, और आपकी मार्कशीट में है ये, और भर दे वो ये, तो हाँ, मिस्टेक हो गई। कोई भी नाम है, जैसे है ये पूरण मल, हाँ अब कुछ में मिलता है ऐसा पूरण मल मिलेगा हाँ और कुछ में मिलता है पूरण चंद। बिल्कुल, अब ये चंद वाला लपड़ा और मल वाला लपड़ा। ये लपड़ा ज्यादा है। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है, उस भर्ती में जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल ओरिजिनल बनवाने हैं, फर्जीवाड़े से नहीं बनवाने हैं। यानी कि आपको पूरा बायोडाटा मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो महिलाएं हैं, कमेंट आ रहे हैं हमारे पास कि सर, जो महिलाएं हैं वो विवाहित महिलाएं हैं, उनको किस प्रकार से क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, किस प्रकार से वो चलेंगे, किसके प्रकार के नहीं चलेंगे, ये सभी तमाम बातें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की और आपको एक एक चीज बड़ी आसानी से समझाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। तो हमारे साथ हैं मिस्टर बाबू। तो आइए हम करते हैं इसकी शुरुआत बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अच्छे से सरल भाषा में समझ में आ सके। ठीक है, तो बता रहे हैं राजेश तो सर आप। आवश्यक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या-क्या बनवाने हैं? हाँ डॉक्यूमेंट्स। देखो, डॉक्यूमेंट्स आपको आधार कार्ड चाहिए, जन आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन यानी कि जो विवाह सर्टिफिकेट है, जिस पुरुष की या जिस महिला की शादी हो गई है तो उसको विवाह पंजीयन भी करवाना होगा। बिल्कुल पहचान पत्र, आयकर, आयकर जो होता है ना, आय प्रमाण पत्र, वो आय प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना है। एक बार और बता दो इनको, ये जो पहचान पत्र है ये कहाँ से बनवा सकते हैं, इनको बता दो, काफी लोगों को पता नहीं है। पहचान पत्र जो है ये वोटर आईडी कार्ड होता है, यानी जिससे हम वोट डालने जाते हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपने क्षेत्र के, आप किसी अपने एरिया में कोई सरकारी स्कूल हो, जरूर होगी, उस सरकारी स्कूल में जाओगे, वहाँ मास्टर हैं, हेडमास्टर हैं, BLO हैं, उनसे जाके संपर्क करो, उनसे मिलो कि सर मेरा पहचान पत्र बनवाना है। फिर वो आपको सारी प्रोसेस बता देंगे, आधार कार्ड और मार्कशीट की फोटो कॉपी लगेगी और आपकी फोटो लगेगी और वो बन जाएगा। ठीक है, ये भी बात। मार्कशीट लगानी है, मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र। यदि मार्कशीट है तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जन्म तिथि होनी चाहिए, बिल्कुल जन्म तिथि मार्कशीट में ही है तो इसकी जरूरत नहीं है। ये नहीं है तो फिर जन्म प्रमाण पत्र चलेगा, क्योंकि बिल्कुल, जन्म दोनों में से एक चलेगा, दोनों में अगर से एक दोनों है होना। आपके पास हाँ तो आप दोनों ले जाना, अगर मांगे कोई सा तो वो दे बिल्कुल, दे। EWS वाला जो है वो प्रमाण पत्र आपको देना होगा। विधवा तलाकशुदा कोई है, कोई भी महिला विधवा है, तलाकशुदा है, तो विधवा महिला है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है पति का, वो लगाए। बिल्कुल ठीक है, तलाकशुदा है तो उसका भी वो जो कार्ड होता है वो लगाए कि भाई मेरे पति ने मेरे को तलाक दे दिया है, जो भी स्थिति है वो अपनी प्रमाण पत्र के जरिए पेश करें। और 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र जो सफाई कार्य का है वो चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप हेल्पर में काम करते थे, आप कहीं बेलदारी करते थे, वो कौन बना के देगा? नहीं, 1 साल का सफाई का काम अनुभव प्रमाण पत्र है, वही चलेगा। आपने 1 साल तक किसी भी ऑफिस में या कोई भी सरकारी दफ्तर में या कोई लिमिटेड कंपनी में वगैरह कहीं प्रौद्योगिकी पे, क्षेत्र में हाँ कहीं पे आपने सफाई का काम किया हो, चपरासी का काम किया हो, तो वहां से आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र ले आना, वो बना देंगे। फॉर्म भरें तब आपको क्या करना है, देखो पूरी डिटेल ये तो समझाएंगे। बिल्कुल अच्छे से समझ ना आया आपको, हाँ लाइक बिल्कुल, मिस्टेक हो सकती है इसमें। जैसे आप फॉर्म भरने जाओगे तो ऑनलाइन फॉर्म है, ये कैसे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और इस फॉर्म को भरने से पहले आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो
तो डॉक्यूमेंट्स जब मांगे जाएं तो आप खुद बैठ करके ई मित्र वाले के पास बैठ जाना, एक एक चीज़ वो आपसे पूछेगा, एक एक चीज़ आपको बतानी है। संपूर्ण जानकारी सही भरना है आपको, बिल्कुल सही भरना है। नाम, गांव, पता, सब कुछ सही होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा रद्द होने के चांस हैं। रद्द होने के चांस नहीं है, चांस है ही, रद्द हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी, जैसे मार्कशीट है ना, उस मार्कशीट के अंदर आप देखना कि हमारा नाम क्या है, उसी अनुसार उसमें मिलाना जो वो वहां पे टाइप करता है। एक एक मीनिंग, एक एक शब्द, देखो एक अक्षर से ही तो होती है गलती। आपका एक एक अक्षर सही होना चाहिए, अन्यथा रद्द हो जाएगा और ये स्वयं आपकी जिम्मेदारी रहेगी। बिल्कुल, फिर मत कहना कि रद्द कैसे हो गया, समझ रहे हो। और इसमें भी अक्षरों में गलती होती है, जैसे देखिए ऐसे होता है, कोई पू है तो पू से शुरुआत होता है, जैसे पूजा है ये ऐसे, और वो भर दे आपका PUJA पूजा, और आपकी मार्कशीट में है ये और भर दे वो ये, हाँ, तो मिस्टेक हो गई ना। बिल्कुल, ऐसे मिस्टेक से आपको बचना है, देखना है, मिलाना है, हाँ ठीक है। तो ये देख लेना, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को ना बदलें। अगर आप जिस SSOID से या जिस भी ईमेल आईडी से फॉर्म भरवा रहे हो उसको नहीं बदलना है। जिस मोबाइल नंबर आपका जुड़ा हुआ है उसी मोबाइल नंबर पे मैसेज आ सकता है, कोई भी जानकारी आ सकती है, इंटरव्यू के लिए कोई जानकारी आएगी तो वहीं आएगी। और मोबाइल, एक बात और ध्यान से सुन लेना, मोबाइल नंबर पर ईमेल तभी आएगी अगर आपने रिचार्ज करवा रखा है उस पर, हाँ। अगर आपका रिचार्ज ही बंद है तो फिर कहां से क्या होगा, कोई आपसे संपर्क भी नहीं कर सकता है। तो आपको उस मोबाइल नंबर को चालू रखना है, चालू तभी उसमें सब कुछ होगा, ठीक है। बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखना, हाँ। तो वो चालू रखना, आप आधार कार्ड और जन आधार कार्ड इसको बिल्कुल अपडेट रखना है। आपका नाम चेक कर लेना, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग, यानी कि आप हो तो पुरुष और उसमें गलती से हो गया है महिला, और आप हो महिला गलती से हो गया है पुरुष, तो उसको सही करवा लेना। इनमें कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी त्रुटि ना हो, बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है, सब कुछ एकदम सही। नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और अपना ये जो पुरुष महिला वाला है ये एकदम सही रखना। जो अपनी मार्कशीट में नाम होगा वो ही आधार कार्ड में होगा, जन आधार कार्ड में होगा, सब में वही होगा। जो जन्म तिथि, हाँ, मार्कशीट में है वही जन्म तिथि आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में। कई लोगों की बहुत गलतियां ये होती है कि देखिए मार्कशीट में उसका पिता का नाम अलग होगा, हाँ, और आधार कार्ड में उसके पिता का नाम अलग होगा। तो ये मिस्टेक, जैसे मान लीजिए कोई भी नाम है, जैसे है ये पूरण मल, हाँ, अब कुछ में मिलता है ऐसा पूरण मल मिलेगा, हाँ, और कुछ में मिलता है पूरण चंद। बिल्कुल, अब ये चंद वाला लपड़ा और मल वाला लपड़ा, ये लपड़ा ज्यादा है, तो इसको एक ही करवाना है, या तो आप चंद ही करवाओ सभी में, या फिर आप मल ही करवाओ सभी में। इस बात का भी ध्यान रखना, तरह का भी ये शॉर्ट में ये, हाँ, इसका भी ध्यान रखना, इसका भी, ये देखो इसका मतलब तो ये होता है PURN और इसका मतलब होता है PORN, हाँ, ये ध्यान रखना, इन चीजों का विशेष ध्यान होना चाहिए आपको, समझ रहे हो। आगे की बात करते हैं, विशेष सूचना, जो बार बार ये पूछ रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं विवाहित हूँ, मेरी जाति, मेरा जो आयकर है वो मैं मेरे नाम से बनवाऊं या पति के नाम से बनवाऊं या पिता का नाम से बनवाऊं या माता के नाम से बनवाऊं, इसकी आप टेंशन ना लो, हम बता देते हैं। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र नया बनेगा, और नया भी लास्ट डेट से पहले। बिल्कुल, समझ रहे हो, यानी कि अब इसकी जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 20 जून 2023, हाँ, और जो इसकी लास्ट डेट है 19 जुलाई 2023। तो आपका जो ये मूल जाति बनेगा ना, ये 19 जुलाई से पहले का होना चाहिए, और जब तक कोशिश हो तब तक आप 20 जून से पहले ही बनवा लो। बिल्कुल, फॉर्म भरना स्टार्ट हुए नहीं है अभी बनवा लो, लास्ट डेट से पहले के बने हुए होने चाहिए,
मूल जाति। दूसरी बात, आय प्रमाण पत्र, यानी कि जो आयकर है उस आयकर को आपको भरना है, फोटो चिपकानी है, नोटरी करवानी है, सारा काम करना है। लेकिन मूल जाति तो हमेशा वैलिड रहते हैं ना एससी एसटी वालों के लिए? हाँ बिल्कुल, ये वैलिड रहते हैं ऐसे, लेकिन ऑनलाइन वाले होने चाहिए। वो ऑनलाइन वो पर्चा वाला नहीं चलेगा, फोटो चिपका के मोर लगा रखी। ऑनलाइन वाले वैलिड रहते हैं हमेशा, कभी भी यूज। हाँ, ऑनलाइन जो बने हैं आपको ई मित्र से बनवाए हैं आपने, वो वैलिड रहेंगे। चलिए, आय प्रमाण पत्र की बात ये है, आय प्रमाण पत्र पिता के नाम से बनेगा। ऐसा नहीं है कि तुम खुद के नाम से भर दिए, फॉर्म लगा दिए, साइन कर दिए, चलो भाई। आपके पिताजी के नाम से आयकर बनेगा कि मेरे पिताजी का नाम ये है, उसके आपके दादाजी का नाम ये है, वो भर करके उसमें आय लिखोगे आप 90,000, 1,00,000 जो भी है। पिताजी अगर उपलब्ध नहीं है, यानी निधन हो गया है, कुछ भी हो सकता है, तो आपकी माताजी के नाम से, बिल्कुल मम्मी पापा के नाम से ही आयकर बनेगा। हाँ, कोई मेरा भाई बंधु या कोई बहन ऐसी है जिसके माता भी नहीं है और पिता भी नहीं है, बड़ी दुखद घटना है, दुखद, तो उसमें फिर क्या करे, और उसकी शादी भी नहीं हुई हो, बिल्कुल कुंवारी हो, बिल्कुल। ना तो पिता है ना माता है, कुंवारी हो, तो वो स्वयं के नाम से बनवा ले, खुद के नाम से बनवा लेना। कोई पुरुष हो, जैसे कोई लड़का है, तो ना तो पिता है ना माता है, तो खुद के नाम से ही बनवा लेना आय प्रमाण पत्र। अब आओ अगली बात करते हैं, विवाहित महिलाएं ध्यान दें, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, आ गई चारू, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, आयकर व जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम से या माता के नाम से ही बनवाएं। बहुत कमेंट आए हैं इसको लेकर के, इस प्रश्न को लेकर के, कि जो भी विवाहित महिलाएं हैं वो आय प्रमाण पत्र बनवा रही हैं तो अपने पिता के नाम से ही बनवाएं, पिता नहीं है तो माता के नाम से बनवाएं, और जाति प्रमाण पत्र भी पिता के नाम से ही चलेगा, पिता नहीं है तो माता के नाम से ही बनेगा। यदि किसी भी विवाहित महिला ने अपने पति के नाम पर आयकर बनवा रखा हो या जाति प्रमाण पत्र बनवा रखा हो तो वो मान्य नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, आयकर और जाति प्रमाण पत्र पति के नाम वाला है वो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। साफ साफ बात है, जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं, सभी महिलाएं, विशेष सूचना है, कृपया ध्यान दें कि आप अगर आय प्रमाण पत्र बनवाती हो तो अपने पिता के नाम से ही बनवाना या अपनी माता के नाम से बनवाना, पति के नाम से मत बनवाना। यदि आपकी जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो तो आप अपने पिता के नाम से ही बनवाएं या माता के नाम से, पति के नाम से मत बनवाना, वो नहीं चलेगा, बिल्कुल। और ये जो है यहाँ पे, इसको ये है आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो होता है ना, लाल लाल पीले पीले पन्ने आते हैं, वो ले लेना आप, दो, कितने, दो। सरपंच हो आपका या कोई आपका पंच हो, पंच तो सबके मिलते हैं गांव में, गांव में सबके वार्ड पंच मिलते हैं, सरपंच मिलते हैं, नगर पालिका है तो पार्षद मिलते हैं या फिर नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं, उनसे आप बनवा सकते हैं, दो चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना। ये सभी सूचनाएं और ये सभी जानकारी आपको समझ में अच्छे से समझ में आई होगी, दिमाग में अच्छे से फिट बैठी होगी। हाँ, कि हाँ हमें ये करना है, आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स हमें ऐसे बनवाना है और इस तरह से हमें पूरा मतलब लिफाफे में फिट रखना है, बिल्कुल, ताकि जब आए टाइम आए कि भाई अब ऑनलाइन होने लग गए तब आप तुरंत दे दो। आप ऐसे भागा दड़िया ना करो कि भाई हाँ, अरे वो रह गया वो, बिल्कुल समय से ही चेत जाओ, समय से ही अपना हिसाब बैठा लो अपने आप कि भाई मुझे क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। हाँ, सब सारे बता दिए हैं, तो मिलेंगे आपको एक और न्यू वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।